स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के करीबियों के यहां बुधवार को ईडी ने छापा मारा। एक्शन शराब नीति केस के सिलसिले में लिया गया। संजय सिंह ने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी है। उन्होंने कहा, मैंने ईडी की फर्जी जांच को पूरे देश के सामने उजागर किया। इसे लेकर ईडी ने गलती मानी। जब मेरे पास कुछ नहीं मिला तो आज मेरे सहयोगियों अजित त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर पर ईडी ने छापा मारा है। सर्वेश के पिता कैंसर से पीड़ित है। ये जुर्म की इंतहा है। चाहे जितना जुर्म करो, लड़ाई जारी रहेगी। ईडी और सीबीआई शराब नीति केस में अनियमितता की जांच कर रही है। सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वे एजेंसी की हिरासत में हैं। ईडी ने चार्जशीट में सिसोदिया को मुख्य साजिशकर्ता बताया था। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।